ऊपर कर दिया, आगे कर दीजिए, बस केवी भी हटा दीजिए, आवाज है, आवाज की नहीं आएगी। पंजाब पुलिस अमृतसर से हम आए हैं, ये हमारी टीम के अध्यक्ष हैं। हमारे उधर एक मुकदमा दर्ज हुआ है 113 नंबर 420 465 468 473 IPCPS रंजीत एवेन्यू अमृतसर सिटी में। उसमें जो मदई मुकदमा है उसने पवनीत सिंह उसने ये दोष लगाया कि उसकी एक कंपनी थी एडमोंड कंपनी, रंजीत एवेन्यू इमिग्रेशन कंपनी थी, तो उनका इधर के जौनपुर के रहने वाले अवनीश सिंह नाम के लड़के के साथ टैचिंग हुई मोबाइल फ़ोन पर। उसने बोला कि हम पोलैंड और पुर्तगाल के वीज़े लगवाते हैं तो आप हमें काम दीजिए। तो उन्होंने इनको 34 क्लाइंट्स की लिस्ट दी और उनके पुर्तगाल और पोलैंड के वीज़े लगवाने के लिए, और 34 लाख रुपया इनके खाते में डाल दिया था। तो वो जब उन्होंने एक गवर्नमेंट की पोलैंड की वेबसाइट है उस पर चेक किया तो कोई भी वीज़ा जो है वो एग्जिस्ट होना नहीं पाया गया, जो फेक निकले। तो इसके आधार पे उन्होंने कंप्लेंट दायर की थी हमारे सीपी साहब कमिश्नर पुलिस अमृतसर को। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो होने के बाद इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी के बाद ये FIR लॉज हुई है। तो ये EO बैंक को इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई थी, ये EO बैंक से हम आए हैं, इनको इधर से अरेस्ट कर लिया है। इनके 3 साथी और हैं, मिस्टर खुश कुमार जो पता चला है कि वो भी विदेश में निकल गए हैं, ठीक है। तो एक लड़की है सुरमना और एक और मोहम्मद अवेश हैं इनके साथी, वो पता चला कि वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसके आधार पे इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो भी बात होगी आगे इन्वेस्टिगेशन में जो जो आएगा उससे अभी क्या क्या मिला है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, अभी तक तो जो इंक्वायरी ऑफिसर ने जो लिया है उसी आधार पे अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। किस किस मुल्क का ये वीजा बता के? पुर्तगाल, पोलैंड और पुर्तगाल का, दो मुल्क का, दो मुल्कों का। मेरा नाम, ये मेरे हमारे सीनियर ऑफिसर हैं इंस्पेक्टर गुलविंदर सिंह, EO विंग इन्वेस्टिगेशन अमृतसर से। मेरा नाम कंवरदीप सिंह है, मेरे साथ प्रगट सिंह आए, प्रगट कराइए, प्रगट सिंह है और राम सिंह है, हम पुलिस पार्टी उधर से हमारे सीपी साहब की परमिशन के आधार पे इधर आए। अमृतसर किस थाने से हैं? हमारा इन्वेस्टिगेशन विंग है, EO विंग है, हाँ जी, हाँ जी, एक विंग बना हुआ है इन्वेस्टिगेशन। पुलिस कमिश्नर हमारे जो है सरदार नौनिहाल सिंह IPS हमारे पुलिस कमिश्नर है। तो एक लोग गिरफ्तार हुए हैं कि अभी हम किसी और को लेके जाएंगे, दबिश में देंगे आप? जो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है ना, इसकी पूछताछ की जाएगी, पूछताछ के बाद जो जो भी इसके इंक्वायरी में आएगा उनको। गिरफ्तारी की संख्या कितनी? जो भाई नेम जो लोग हैं वो 4 लोग हैं, एक लड़की है। कितने गिरफ्तार हुए? अभी एक गिरफ्तार हुआ है।